सहारनपुर में पत्रकार पर हमले की निंदा करते हुए कानपुर के पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। कानपुर प्रेस क्लब संरक्षक सरस वाजपेयी अध्यक्ष अवनीश दीक्षित महामंत्री ने कहा कि सत्ता के घमंड में चूर भाजपा नेताओं ने बीच सड़क पर जिस तरह पत्रकार देवेश त्यागी पर हमला किया वे निंदनीय है। नवीन मार्केट से लेकर बड़े चौराहे तक पैदल सड़क पर पत्रकार उतरकर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। महामंत्री कुशाग्र पांडे ने कहा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकारों के कई हत्याएं हो रही है, कई हमला हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लोग भी जो है पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं। तो आज प्रेस क्लब ने क्या किया है और आप कहां पर हैं? ये सहारनपुर में जो घटना हुई है उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है, इसमें आपका ज्ञापन सक्षम स्तर पर पहुँचाया जाएगा और जो भी संभव कार्रवाई होगी उसके लिए उचित मदद की जाएगी। इसके साथ साथ उनके इलाज के लिए भी एक बिंदु डाला गया है, उसके लिए भी हम लोग आगे रिकमेंड करेंगे। धन्यवाद। आज जो प्रदर्शन किया ये किस लिए किया? देखिए, सहारनपुर में कल हमारे एक पत्रकार साथी जो एक नेशनल न्यूज चैनल के रिपोर्टर थे, उनको घर जाते समय भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने घेर करके बुरी तरीके से एक व्यक्ति को 10 लोगों ने मिलकर मारा है। उनकी हालत काफ़ी नाजुक है और इस मामले में सहारनपुर पुलिस का रवैया भी दोयम दर्जे का है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए हर प्रभाव संभव प्रयास कर रही है। हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया है जिसमें ये मांग की है कि हमारे जो पत्रकार साथी को हमला हुआ उसकी मामले की जांच उस स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से कराई जाए, जो टीम लगाई जाए वो कम से कम इंस्पेक्टर से ऊपर रैंक के लोगों गश्त अधिकारी हों। नंबर दो, उनकी पूरा इलाज जब तक वो ठीक नहीं रहते पूरा साथ की सरकारी खर्चे कराया जाए, साथ ही साथ जो आरोपी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जाए और जो इसके अलावा उस परिवार को सुरक्षा भी दी जाए क्योंकि उनके परिवार भी दहशत में कल घटना के बाद से और अन्य राज्यों की बात है। उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए जिससे कि हम पत्रकार अपने एक अच्छे वातावरण में रह करके अपना काम निर्बाध रूप से कर सकें। क्या लगता है अध्यक्ष जी के जिस तरीके से पहले अभी तक पत्रकारों पर हमले जो होते थे वो अराजकता तो करते थे, लेकिन अब जो है सत्तारूढ़ के पार्टी के नेता भी जो हैं वो पत्रकारों पर हमले करने लगते हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं से जो इतने सत्ता में बैठे हैं निरंकुश हो चुके हैं? देखिए, निरंकुश तो बिल्कुल हो चुके हैं। जो काम पहले बहुजन समाज पार्टी सरकारों में किया गया, जो समाजवादी पार्टी सरकारों में किया गया, वही अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, कहना गलत नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी सपा और बसपा के पर चिन्हों पर चल रही है और यही वजह रही कि इनकी हिम्मत बढ़ गई, पत्रकार पर घेर करके इस तरह हमला किया है। ओके। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए